हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम मई ने मनद सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर आई बी पी स्केल टू क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए हर एक सब्जेक्ट्स के लिए वो मैं आज जो है डिस्कस करूँगा ठीक है सो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन द बेस्ट जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ दैट इज आर का ऑफिशियल वेबसाइट जितना फाइनेंशियल अवेयरनेस है जितना बैंकिंग है उसका सबसे रिलायबल सोर्स आर की ऑफिशियल वेबसाइट ही है राइट सो फॉर लेट इट बी द ऑफिशियल सर्कुलर्स लेट इट बी मास्टर सर्कुलर्स जो पॉलिसी के नंबर्स हैं सबसे ज़्यादा रिलायबल आपको आर की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेंगे राइट दैट्स व्हाट आई पर्सनली फॉलो एवरी मंथ आई डू द एनालिसिस ऑफ आर सर्कुलर्स जितने मास्टर सर्कुलर्स आते हैं वो सारे का सारा एनालिसिस करता हूँ एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी मटीरियल अकॉर्डिंग टू मी दूसरा जो है देखिए इफ यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर यू नो न्यूज़पेपर अगर आप कोई प्रॉपर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो लेट इट बी इकोनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस द बिजनेस लाइन द मिंट ये तीन चार जो हैं बहुत अच्छे हैं आ, लेकिन होता क्या है वेन यू रीड द न्यूज़ पेपर वो एक यू you नो know, <coughs> आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करने लग जाते हो यू रीड द स्पोर्ट्स पेज वट एवर राइट एंड आप उसको रिटेन नहीं करते हो रिटेन कर नहीं पाते हो ये रिटेन मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट है और आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते और नोट्स बनाना कॉम्प्लिकेटेड है आर बी आर आर बी का एग्जाम है तो वर्किंग हो आप मोस्ट ऑफ यू तो रिटेन करना मुश्किल हो जाता है दैट इज वाई आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के डाइजेस्ट हम बनाते हैं आई बी पी एस आर आर बी जी बी ओ स्केल टू स्केल थ्री जी के इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है वी डू द एनालिसिस फॉर यू हम चुन चुन के वो जो जो भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है वो हम चुन चुन के लेकर आते हैं आपके लिए एंड वी प्रोवाइड दैट टू यू ऑन अ मंथली बेसिस ताकि आप हर मंथ उसको जो है एनालिसिस करके आप पढ़ पाएं ठीक है एनालिसिस हमने कर दिया उसके क्वेश्चन हमने बना दिए और जब पेपर देना है उससे जस्ट पहले दस दिन पहले आप पिछले छः महीने का जो रिसर्च है वो पढ़ लें प्रिंट आउट ले लें न्यूज़पेपर ले। अगर पढ़ा है तो खुद से नोट्स नहीं बनाए तो रिविजन होगी नहीं तो कुछ याद रहेगा नहीं तो यहाँ पर दिक्कत ये रह जाती है अगला आ जाता है स्टैटिक की बैंकिंग स्टैटिक बैंकिंग में देख लीजिए आर का इस्टाब्लिशमेंट ईयर नाबार्ड का इस्टबलिशमेंट ईयर आर के पहले गवर्नर कौन थे वेरियस यू नो सी सी ऑफ वेरियस बैंक ब्रांड एम्बेसडर्स राइट जो स्टैटिक बैंकिंग में आता है स्टैटिक बैंकिंग कुछ एक कॉन्सेप्ट हैं मॉर्गेज टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लीन राइट लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ गारंटी राइट right. ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं स्टार्टिक बैंकिंग के उसके लिए वी पीपल डू आर डाइजेस्ट हम एक डाइजेस्ट बनाते हैं एग्जाम से पहले भी दैट्स अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम डॉट कॉम इट्स अवेलेबल इन द कोर्स एज वेल आप देख सकते हैं राइट right? बहुत रिलायबल रहता है ये एक स्मार्ट वे में आप अपनी तैयारी कर रहे हो ठीक है उसके बाद क्वांट और रीजनिंग सबसे पहले इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस विद एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी यू नीड टू वॉच द क्लासेस

इफ़ यू आई हैव टेकन द कोर्स ऑन बैंक एग्जाम्स डॉट कॉम तो वहाँ पे वी डू प्रोवाइड द प्रैक्टिस क्वेश्चन राइट सो एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव थर्टी क्वेश्चन फ्राम ईच चैप्टर दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल अकॉर्डिंग टू मी ठीक है उसके बाद इंग्लिश के लिए देखिए इंग्लिश के लिए यू डोंट नीड अ बुक यू डोंट नीड टू एक्चुअली गो थ्रू अ प्रॉपर बुक मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर योर होल सिलेबस एंड इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू आर यूज़ टू डू द स्क्रीन रीडिंग अगर आपको स्क्रीन रीडिंग की आदत है तो आपके लिए बहुत ईजी है ये और बेस्ट बुक कोई नहीं होती है आप कोई भी न्यूज़ पेपर अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो इकनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हो बिजनेस लाइन पढ़ रहे हो फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ रहे हो अगर आप ऑनलाइन न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो दैट दैट वुड बी सफिशेंट कुछ भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो दैट वुड भी हेल्पफुल और इंग्लिश चूज़ करें या हिंदी चूज़ करें देखिए अगर तो आपका इंग्लिश बहुत बुरा है बहुत ही बुरा है तो हिंदी चूज़ करें अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि मैं इंग्लिश लूँ कि हिंदी लूँ तो इंग्लिश ही चूज़ करें क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हिंदी में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते नहीं हैं स्टूडेंट्स के राइट right? uh, अगर आपका हिंदी बहुत अच्छा है और इंग्लिश बहुत बुरा है तो हिंदी चूज़ करें और अगर आपको पता नहीं है तो इंग्लिश चूज़ करें ये मेरा रिकमेंडेशन है और कंप्यूटर की अगर बात करें जो नोट्स प्रोवाइडेड होते हैं आ, बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं बैंक एग्जाम्स वॉट कॉम पर हम प्रोवाइड करते हैं नोट्स uh, देखिए कोई भी नोट्स हंड्रेड परसेंट सफिशेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए आप जितना भी पढ़ लें एम एस ऑफिस कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटीज जो रिसेंट अपडेट्स हैं डेटा बेस सेम टॉपिक्स हैं लेकिन आप कह लीजिए आपका जो जनरल नॉलेज है कंप्यूटर को लेके उससे भी आप कह लीजिए क्वेश्चंस निकलते हैं यू कान बी सो श्योर कि आपने सौ पेज पढ़ लिया तो उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे पूरी दुनिया में से कोई भी किताब पढ़ लीजिए बट ये है कि हम टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइड करते हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं वंस यू यू हैव डन दैट देर इज़ टेस्ट सीरीज़ राइट सो टेस्ट सीरीज में क्या है कि मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो होता है वो टेस्ट सीरीज़ होता है राइट right? दस टेस्ट आप लेते हो तो देखिए कितने क्वेश्चन हो जाते हैं बनाने वाले के लिए कितना एफर्ट है सो so, दस टेस्ट एटलीस्ट आप लीजिए डे वन से टेस्ट सीरीज मत लीजिए जस्ट एग्जाम से दस या पंद्रह दिन पहले ही टेस्ट सीरीज लेना शुरू कीजिए आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट फ्रॉम डे वन विच इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी आप एग्जाम से दस पंद्रह दिन पहले ही दस टेस्ट लें ठीक है उतना काफ़ी रहता है मेरे हिसाब से राइट एंड आई होप आप सब लोग एग्जाम को क्रैक करोगे और मॉक इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है आफ्टर योर एग्जाम टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स योर टीचर्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बैंक एग्जाम डॉट कॉम वी टेक वन मॉक इंटरव्यू सारे स्टूडेंट्स की हम एक मॉक इंटरव्यू लेते ही हैं जितने भी पास होते हैं एटलीस्ट वन मॉक इंटरव्यूज एंड टेक हेल्प ऑफ योर टीचर्स की आप में कोई कमी है या आप कुछ क्वेश्चन के आंसर ठीक नहीं दे रहे हो तो आपका टीचर आपको जरूर आपका गाइड आपका मेंटर आपको हेल्प करेगा राइट right? सो so, इतना ही काफ़ी है आज के लिए राइट सो द आई बी पी एस आर आर बी जी बी ओ स्केल टू स्केल थ्री कोर्स वी आर डूइंग दैट ऑन बैंक एग्जाम्स डॉट कॉम एंड वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट नोट्स द टेस्ट सीरीज द इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस फ्रॉम ए टू जी सारे का सारा कवरेज हम करते हैं और पिछले आई गेस आठ सालों से हम तैयारी करवा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स राइट हर साल तीस से पैंतीस स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं लास्ट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी 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 हर साल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं और इस साल भी होंगे आई एम इट श्योर अबाउट इट सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा आपको पता चला होगा कि क्या क्या पढ़ना है एग्जैक्टली exactly. और ये सब पढ़ के अगर आप जाएंगे आई होप बहुत हेल्प होगी आपकी राइट right? ये सब पढ़ें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक like करें और अगर कुछ परेशानी है समझने में हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है नाइन जीरो सिक्स सेवन टू जीरो वन ट्रिपल जीरो यू कैन आस्क योर डाउट्स इवन इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द कॉर्स राइट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू एंड एव अ वेरी नाइस डे बाय